चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर पहुंचा ही था कि तभी जाग उठा चंद्रयान 2। भेज डाला चंद्रयान 3 को एक ऐसा अनोखा मैसेज जिसे देख हिल गए पूरी इसरो टीम। चंद्रयान 2 ने बोला, आपका स्वागत है दोस्त, मैं यहाँ 4 साल से पड़ा हूँ। चंद्रयान 3 से पहले रच दिया चंद्रयान 2 ने इतिहास। चंद्रयान 3 ने अपने AI टेक्नोलॉजी की मदद से चंद्रयान 2 को जिंदा कर भारत को बनाया साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश। जी हां दोस्तों, अभी भी चंद्रयान 3 को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। चंद्रयान 2 को लेकर ऐसी खबर आ रही है कि दोस्तों पूरी दुनिया हिल गई है। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 ने साथ साथ इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 2 ने वो करके दिखाया है जो अभी तक किसी भी देश की स्पेस एजेंसी नहीं कर पाई है। चंद्रयान 3 ने एक ऐसा अनोखा मैसेज भेजकर पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। नासा तक हिल गया है। दोस्तों आपको बता दें, जैसे जैसे लैंडिंग की प्रक्रिया, जैसे जैसे लैंडिंग का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इसरो को बड़े बड़े चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। चंद्रयान 2 इसरो का वही मिशन है जो आज से 4 साल पहले भेजा गया था चांद के जमीन पर, जिसे पूरी दुनिया नाकाम समझ चुकी थी, पूरी दुनिया फेल समझ चुकी थी। लेकिन आज वही चंद्रयान 2 ने पूरी दुनिया के मुंह पर ताला लगा दिया है। अभी भी चंद्रयान 3 ने चंद्रयान 2 द्वारा एक दुर्लभ और अनोखा मैसेज प्राप्त किया है। चंद्रयान 3 ने जैसे ही चंद्रयान 2 का ये अनोखा मैसेज प्राप्त किया, वैसे इसरो को भेज दिया। जब इसरो ने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। इसरो को दो दो खुशी एक साथ मिल रही थी। जहां एक ओर उनका चंद्रयान 3 इतिहास रचने के लिए पूरी तरह से बेताब है, बस कुछ ही घंटों का समय है और चंद्रयान 3 इतिहास रच के पूरी दुनिया को, भारत को दुनिया का साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बनाकर ही दम लेने वाला है। लेकिन वहीं चंद्रयान 2 ने पहले से ही भारत का नाम इतिहास के पन्नों में लिख दिया है। भारत को दुनिया का पहला देश चंद्रयान 2 ही बना दिया है। चंद्रयान 3 तो अभी लैंडिंग के प्रोसेस में चल रहा है। दोस्तों आपको बता दें, हमारा चंद्रयान 2 आज से 4 साल पहले भेजा गया था। 7 सितंबर 2019 की उसकी क्रैश लैंडिंग बताई गई थी। 7 सितंबर 2019 का वो दिन कोई हिंदुस्तानी नहीं भूलता है। सभी के दिलो दिमाग में वो दृश्य छिपा हुआ है। लेकिन आज चंद्रयान 2 ने जो इतिहास रचा है, पूरे भारत के देशवासियों के दिमाग में चंद्रयान 2 को लेकर जो यादें दबी हुई थी, आज वो तरोताजा हो गई है। अभी भी इसरो के चीफ डॉक्टर एस शोभनाथ ने चंद्रयान 2 की ये खुशखबरी देते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं। बताया भी जा रहा है कि अब चंद्रयान 3 मिशन पूरी तरह सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि उसका भाई चांद के जमीन पर जिंदा होकर उसे आगे का डायरेक्शन दिखा रहा है। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि 15 मिनट का वो क्षण, 15 मिनट का वो टाइम, जो काफी चंद्रयान 3 के लिए मुश्किल भरा समय होगा, जब चंद्रयान 3 चांद से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर होगा, उस समय चंद्रयान 3 से इसरो का संपर्क टूट सकता है, क्योंकि ऐसी जगह होती है जहां पर कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद स्पेस क्राफ्ट के ही भरोसे सारा मिशन टिका हुआ रहता है। 15 मिनट का ये पल वैज्ञानिकों के लिए डर का समय रहता है, क्योंकि इस समय चंद्रयान 3 में लगा AI जो टेक्नोलॉजी है, उसी के भरोसे ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग संभव हो सकती है। लेकिन यहाँ अब इसरो को बहुत ज्यादा खुशी मिल गई है, क्योंकि उसका भाई चंद्रयान 2 चांद के जमीन पर पहले से ही एक्टिव होकर उसका स्वागत कर रहा है, चंद्रयान 3 को आगे का रास्ता दिखा रहा है। यानी चंद्रयान 3 के भटकने की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको बता दें, जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग 1 किलोमीटर से होती है, यानी 15 मिनट का वो भयानक समय, उस समय चंद्रयान 3 की लैंडिंग वर्टिकल होती है। उस समय चंद्रयान 3 के स्पीड को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल का काम होता है, क्योंकि उस समय चांद की ग्रेविटी भी काम करती रहती है। एक सीधी रेखा में लैंडिंग करना बहुत बड़ी मुश्किल का काम है, क्योंकि ग्रेविटेशन की वजह से और स्पीड ज्यादा होने की वजह से चंद्रयान 3 अपने ट्रैक से अलग हो सकता है। अगर उसकी हॉरिजॉन्टल लैंडिंग कराई जाए तो ऐसा रिस्क नहीं रहता है, लेकिन वर्टिकल में बेहद ही रिस्क रहता है, क्योंकि वो अपने निर्धारित रास्ते से भटक सकता है। अगर भटक गया तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और चंद्रयान 3 के साथ कोई अनहोनी हो सकती है। इसीलिए 15 मिनट का समय बेहद कठिन भरा समय होता है और डर भरा समय होता है। यही 15 मिनट ये डिसाइड कर लेता है कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट की सफल लैंडिंग हो पाएगी कि नहीं। अगर ये 15 मिनट का पड़ाव कोई स्पेसक्राफ्ट पार कर लेता है तो उसकी जीत तय है। लेकिन इसरो की तरफ से खबर आ रही है कि हमारा चंद्रयान 3 इस 15 मिनट में बड़ा खेल खेलने वाला है। उसकी जीत संभव है, क्योंकि इससे पहले इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल था। लेकिन अभी भी खबर आ रही है कि चंद्रयान 2 जिंदा हो गया है और वो बराबर सिग्नल भेज रहा है चंद्रयान 3 को। तो अब ये पूरी तरह से निश्चित हो गया है, कंफर्म हो गया है कि चंद्रयान 3 अपने डायरेक्शन से, अपने निर्धारित
लैंडिंग रास्ते से भटकेगा नहीं, चाहे उसकी वर्टिकल लैंडिंग कराई जाए चाहे हॉरिजॉन्टल लैंडिंग कराई जाए, किसी भी तरह की लैंडिंग में अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि चंद्रयान 3 आगे का डायरेक्शन उसे दिखाता रहेगा, चंद्रयान 3 को अपने रास्ते से भटकने नहीं देगा। इसरो के वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि एक प्रकार से चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 के लिए मसीहा बन के आया है। पूरी कायनात और पूरा ब्रह्मांड ये चाहता है कि चंद्रयान 3 भारत का चंद्रयान 3 जरूर सफल हो, 100% सफल हो जाए, क्योंकि भारत ने बहुत कुछ सहा है, इतना बड़ा त्याग दिया है, बड़ी मेहनत किया है, 4 साल की मेहनत के बाद चंद्रयान 3 तैयार हुआ है और एक फेलियर का ठप्पा भी लग गया है भारत के ऊपर। वहीं दोस्तों आपको बता दें, पूरा हिंदुस्तान चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। बनारस में तो चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए हवन पूजा भी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, पंडित लोग लगे हुए हैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए, भारत इतिहास रच दे, क्योंकि चंद्रयान 3 ने इतने पड़ाव को लांघते हुए अपने सफर को पूरा किया है, काफी कुछ झेला है और अब अंतिम पड़ाव में है। अगर अंतिम पड़ाव में अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो ये बहुत बुरा होगा। दोस्तों आपको बता दें, चंद्रयान 2 जिंदा कैसे हुआ, इसकी खबर कैसे लगी, तो इसके पीछे एक मैसेज है। चंद्रयान 3 जैसे साउथ पोल पर पहुंचा, लैंडिंग साइट पर मडरा रहा था और अपने सेंसर की मदद से लैंडिंग साइट को डिटेक्ट कर रहा था, उसकी पहचान कर रहा था, तभी चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से कनेक्ट हो गया। जैसे चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से कनेक्ट हुआ, वैसे फटाफट चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 को मैसेज भेज डाला। मैसेज में लिखा था, आपका स्वागत है दोस्त, मैं यहाँ 4 साल से पड़ा हूँ, आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, आगे का रास्ता हम आपको दिखाएंगे, आपको सफल बनाकर ही हम छोड़ेंगे। दोस्तों ये मैसेज मिलने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है, ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई इंसान बात कर रहा हो। आप भी ऐसा सुनकर आश्चर्यचकित हो गए होंगे, दंग हो गए होंगे। तो आपको बता दें, ये स्वाभाविक है क्योंकि चंद्रयान 3 में आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का इस्तेमाल हुआ है, वहीं चंद्रयान 2 में भी किया गया था और उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का कमाल है कि वो इंसानी ब्रेन की तरह सोचकर महसूस करके ऐसा सिग्नल ऐसा मैसेज चंद्रयान 3 को भेजा है। इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ का यह भी कहना है कि अब चांद पर दो भाई मिलने वाले हैं। कहने का मतलब चंद्रयान 3 जा ही रहा है और चंद्रयान 2 पहले से है, यानी दो भाइयों का मिलाप होगा, एक तरह से भारत मिलाप है ये। दोस्तों जिस तरह 14 साल वनवास झेलने के बाद राम भारत से मिले थे, उसी तरह बताया जा रहा है कि ये चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 का एक भारत मिलाप है, 4 साल की बेसब्री का इंतजार है। तो दोस्तों आप लोग ईश्वर से मनाइए कि चंद्रयान 3 जरूर सफल हो जाए, चंद्रयान 2 वहाँ उसकी मदद कर रहा है, तो ऐसा हो कि चंद्रयान 2 उसकी मदद करता रहे और चंद्रयान 3 को चांद की जमीन पर सही सलामत पहुंचा दे। तो दोस्तों ईश्वर से प्रार्थना करिए और वीडियो को सभी तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी को ये जानकारी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों जय हिंद जय।